वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है संडे का और हम लोग बाहर जाने वाले हैं। आज कुछ सामान लेना है, अलग से कपड़े लेने हैं, सब्जियां लेनी हैं और भी बहुत सारे वीक भर के पूरे काम रह जाते हैं। इकट्ठा कर लेते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या लेना है, क्योंकि मंडे से स्कूल, सैटरडे तक इनका जाना होता है और संडे को ही एक वक्त ऐसा मिलता है कि हम लोग मिलके हर चीज़ ले आते हैं जो चीज़ अभी पूरे हफ्ते में ज़रूरत पड़ती है। सो आज तो मुझे दक्ष के लिए भी शॉपिंग करनी है, कुछ आध्या के लिए, तो हम लोग आज मार्केट जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों बच्चों को तैयार कर दिया है। वैसे तो मौसम अच्छा है, धूप निकली है और ठीक ठाक है, सर्दी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी से जाते हैं, बाइक से हम लोग, तो बहुत सर्दी लगती है। और सर में कैप छोटे बच्चों को लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, इसमें मैं उसे सॉक्स भी पहना दिया है, कैप भी लगा दिया है, आध्या को भी लगा दिया है। और कैप लगाने में दक्ष बहुत नखरे करता है, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे दक्ष हो गया है रेडी, मैं पहले ही तैयार हो गई थी और आधा दिन तो निकल ही चुका है, करीबन करीबन 11:30 बज चुके हैं। आधा दिन क्या मतलब, जब तक निकले निकलेंगे तब तक आधा दिन हो ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर हाथों में लगा लिया है, रुके रुके से हाथ लगते हैं। और मैंने ये कंगन डाल लिए हैं और एक हाथ मेरा कंगन बहुत टाइट होता है, इस वजह से ना मॉइस्चराइजर लगा लो ना तो बहुत ईजी तरीके से ना अंदर चला जाता है, तो मैंने वो लगा लिया है। और मेरे नेल्स में थोड़ी हल्की हल्की नेल पेंट लगी हुई थी तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मैं सोचा चलो इसको साफ कर लेती हूँ। और दस को मैंने नीचे उतार दिया था तो वो सामान गिरा रहा था, वही मैं आधे से बोली जरा देख लेना बेटा। और यहाँ पे मैंने नेल पेंट रिमूवर से मैं साफ तो कर रही हूँ, बट थोड़ा सा खराब हो गया मेरा रिमूवर, इस वजह से वो काम नहीं किया, तो ठीक से साफ नहीं हुआ है। मैं बिना साफ किए हुए ऐसे ही निकल ली क्योंकि देर हो रही थी, हम लोग तैयार हो गए थे। और यहाँ पे मास्क लगा लिया है, आधे अपना लगा रही है, हस्बैंड नीचे उतर गए हैं दक्ष को लेकर, और उनका भी मास्क मैं लिए हूँ। एंड मैंने ये रेड वाला अपना स्वेटर डाल लिया है, रेड नया वाला जो आप लोग पूछ रहे थे कि कितने का है, कितने का है, ये मुझे करीबन 1200 रुपये का पड़ा था और बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी पहनती हूँ मैं इसको, क्योंकि घर में पहनने के लिए तो ऑलरेडी और स्वेटर हैं, कहीं जाती हूँ या तब भी पहन लेती हूँ। तो चलिए हमने सोचा चलो पहन लेते, वैसे भी सर्दियाँ ना 2 महीने ही बस चल पड़ती हैं तेज, वरना तो फिर स्वेटर वगैरह तो रख ही रहते हैं साल भर। सो हम लोग पहुँच गए विशाल मेगा मार्ट, तो आज हम लोग करेंगे विशाल में शॉपिंग। एंड बहुत सारी सेल चल रही है, काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब प्राइस में, कम प्राइस में, एंड बाई वन गेट वन, बाई टू गेट टू, इस तरीके से ऑफर्स लगे हुए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें तो मतलब ले नहीं सकते हैं, ऑफर है तो भी नहीं इकट्ठा कर सकते क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें ही लेनी थी। तो यहाँ से हम लोगों ने दक्ष और आध्या के लिए कपड़े लिए थे, एंड वो मैं घर में जाकर आपको दिखाऊंगी। और जो भी चीज़ें लेनी थी हम लोगों ने देख देख के, परख परख के, छाट छाट के, एंड आध्या को नाप नाप के तब ली थी, क्योंकि आध्या ना इतनी पतली लड़की है, उसको क्या आएगा क्या नहीं बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उम्र के हिसाब से उसमें जो टैग में जो उम्र बच्चों की उम्र दी जाती है, उस टैग में जो लिखा होता है ईयर के लिए, ईयर मतलब साल लिखा होता है कितने साल के बच्चे के लिए कपड़ा है, उस हिसाब से जब लो तो आध्या को ना ढीले ढीले से होते हैं, तो इस चक्कर में ना हर चीज नाप नाप के ली जाती। तो यहाँ पे मैंने आधे अगले जीन्स वगैरह भी देखी, टी शर्ट भी देखी, एंड स्वेट स्वेटर भी देखा, जैकेट भी देखी थी, बहुत सारी चीजें देखी थी। तो क्या लिया है वो मैं तो घर जाकर ही दिखाऊंगी, क्योंकि दक्ष के भी बहुत से पैंट वगैरह लेने थे मुझे। और आज मैंने ना दक्ष को बिठाया जब, तो आधा रोने लगी थी, कह रही थी मम्मी मुझे भी बैठना है, तो मैं क्या करूँ, बच्चे मेरे लिए दोनों ही बराबर है। तो मैंने दोनों को ही बिठा दिया, एक को बग्गी के अंदर, एक को बग्गी के साइड में ऊपर। सो दोनों देखो इस तरीके से बैठे हुए हैं बहुत मजे से, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इन दोनों को थोड़ा बिठा दो और फिर फ्री होकर एकदम शॉपिंग करो, और अच्छा भी लग रहा है। तो इस वजह से मैं भी फ्री, बच्चे भी आराम से फ्री। लेकिन दक्ष की आदत क्या है, जैसे ही सामान के पास में निकलेगी ना इसकी बग्गी, तो तुरंत सामान उठाकर गिराने लगता है। बस यही हो रहा था, एक कभी कभी ऐसा लगता है मैं गाड़ी चला रही हूँ उसकी, तो एक दो ना हैंगर के सही लटक के जा रहे थे कपड़े उसके, उसकी
ट्रॉली में, तो वही मैं हटाते के रखती जा रही थी। अब पता नहीं कब अटक जाता है, कब वो खुद हाथ से छीन लेता है, तो शरारती तो है ही वो। तो यहाँ पे मैं पैजामिया वगैरह वगैरह देख रही थी और ये पैजामिया बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्या हुई थी, इस यहाँ पे लिखा हुआ है 39 में एक पैजामी है, तो 39 में जो मतलब सच में 39 के लायक थी वही वही थी, अदरवाइज और भी जो हम लोगों ने बहुत टाइम लगा के चुन चुन के निकाली थी पैजामिया, जैसे कि ये ना ज़्यादा ज़्यादा रुपए की थी, करीबन 100-100 रुपीज़ की ये पजामिया थी, और हम लोगों ने 39-39 समझ के सारी ले ली थी, क्योंकि आप देख सकते हो उसमें लगा हुआ है टैग, तो मैंने इसी उनसे पूछ के भी ली थी। लेकिन जब काउंटर पे पहुँचे ना बिल कराने के लिए, तब इन्होंने उन्होंने ये सारी पजामियाँ हटा दी थी, बोली ये सब महंगी है। फिर हम लोगों ने ली हैं, कुछ पैजामियाँ ली हैं, क्योंकि चूज करके तो बहुत सारी ले गए थे, लेकिन फिर हमने एक दो हटा दी और फिर ले ली थी, क्योंकि बड़े मन से और टाइम लगा के चुना था हम लोगों ने, और फिर तो लेनी ही थी जब एक बार मन में बस जाता है तो। और भी बहुत सारे कपड़े थे, तो हम इनसे बोल रहे थे कि मत लो वूलन कपड़े, क्योंकि सर्दी तो जाने ही वाली है, और दक्ष ना अगली साल तो अगर इस बार के कपड़े जो ले लेंगे ना नेक्स्ट ईयर ना काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, अपने एरों से भागने लगेगा, फिर ये कपड़े ना छोटे हो जाएंगे तो बिल्कुल भी काम के नहीं रहेंगे। तो बस, और बैकग्राउंड में रक्स की आवाज़ आ रही होगी, वो मेरे ही पास है, वो सो ही नहीं रहा था, करीबन 11:30 बजा है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, और वो जब उसे नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा चलो आ नहीं देते हैं, रक्स ही तो है। यहाँ पे मैं एक दो बेडशीट भी देख रही थी, चलिए मैं घर चलती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी सामान में क्या क्या लाई हूँ। तो बिल कराने के बाद जब हम लोग बाहर निकले, तो आद्या बोली मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अब मैं घर तो जा ही रही थी कुछ बनाती जाके, लेकिन आद्या बोली मुझे छोले भटूरे खाने हैं, तो हमने सोचा चलो अब बाहर ही छोले भटूरे ले लेते हैं। तो हमने और आद्या ने एक ही प्लेट में थोड़ा थोड़ा खा लिया था, एंड बस भूख लगी थी तो फिर वही इसी वजह से खा लिया, अदरवाइज छोले भटूरे इतने जल्दी हम जाके घर कैसे बनाते, क्योंकि भटूरे के लिए तो डो लगा के रखना पड़ता है, और कुछ भी बनाते तो टाइम बहुत लगता, और ये बहुत परेशान हो रही थी, इस वजह से ना मैंने फिर बाहर ही खाया था, और फिर मैं घर पहुंची थी। और घर पहुंचते हैं, फिर आपसे कैमरे के सामने आके बात करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग वापस आ गए हैं, और वापस आने के बाद हम लोगों को पता चला है कि इनकी जो दोस्त हैं वो आने वाले हैं, जिनके यहाँ हम लोग एक दिन गए थे, भैया भाभी हैं वो आने वाले हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और उनकी मिसेज हैं, और वो दोनों लोग आ रहे हैं उनके बच्चों के साथ में, तो मैं उनके लिए कुछ बनाने जा रही हूँ। तो तब तक वो आएंगे, तब तो मैं तैयारी करके रखती हूँ। और सब्जी मैं नहीं ले पाई थी दक के ऊपर, क्योंकि दक बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए तो सब्जी लेने के लिए हस्बैंड गए हैं, तो वो सब्जी लेकर आएंगे। हम वो नीचे तक छोड़ गए थे तो हम ऊपर आ गए हैं, और मेरी ये लिपस्टिक ना पूरी चूट के फैल गई है मास्क लगाने की वजह से। वैसे मास्क में मेरी लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत ही क्या है फिर भी। और पता है मैं नेल पेंट रिमूव कर रही थी, मेरी नेल पेंट रिमूव भी नहीं हुई थी, वो जो मेरा थिनर था जिससे मैं करती थी वो ख़राब हो गया आई थी, इसीलिए बहुत देर तक डालने के बावजूद भी ना साफ़ ही नहीं हुआ, तो मैंने जो नया वाला मंगाया है मैं उससे साफ़ करूँगी। फ़िलहाल तो अभी टाइम नहीं है, तो अभी मैं बहुत बिजी हूँ, और सुबह के चाय के नाश्ते के बर्तन जो हैं वो भी अभी पड़े हुए हैं, तो मैं सबसे पहले जाकर वह धुलती हूँ। और पता है मैं एक चीज़ भूल गई, एक मैं मेरा एक सूट था जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, वो मुझसे गलती से प्रेस से थोड़ा सा जल गया है, वो रखा है येलो वाला, जो कि मुझे ठीक रफू कराने के लिए आज जाना था, लेकिन मैं वो भूल गई हूँ, अब किसी और दिन जाएंगे तब इसको रफू कराएंगे। और ये वाला जो स्वेटर है वो मैं उतारती हूँ, और गर्मी भी लग रही है क्योंकि ठंड चली गई है दोपहर के टाइम बिल्कुल भी, तो मैं कोई हल्की सी जैकेट वगैरह डाल लेती हूँ और ये उतारती हूँ। जो भी सब्जियां लाई थी मैं, वो सब धुल धुल के साफ करके उनको अपनी अपनी जगह पे रख चुकी हूँ मैं, क्योंकि मैं धुलने के बाद ना एक किचन टॉवल पे रखती जाती हूँ, फिर उस टॉवल से पोंछ के तब मैं रखती हूँ, तो पानी भी बहुत जल्दी से उसका सूख जाता है। और यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी हूँ, भैया भाभी जो आने वाले हैं उनके लिए कुछ बना लूँ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मटर है वो छील रही हूँ, मटर के दाने, और थोड़ी सी छील रही हूँ, और मैं बनाने वाली हूँ पनीर पुलाव, जो कि एक बार मैंने आप लोगों से शेयर किया था जब मैंने इलेक्ट्रिक कुकर में बनाया था, एंड आज मैं नॉर्मल कुकर में बना रही हूँ फटाफट। तो चावल जो है मैंने अलग से बॉईल कर लिए हैं पहले ही, और उसके बाद ये मटर वगैरह छील ले रही हूँ, तब तक प्रिपरेशन कर ले रही हूँ। यहाँ पे सारी मटर छील गई है, धुल लूँगी, और पनीर है छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी, और फिर पनीर को मैं फ्राई करूँगी। अच्छा आप लोग कैसे बनाते हैं, जिस तरीके से मैं शेयर कर रही हूँ, क्या आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं तो बताना। मैं
इसी तरीके से ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इसी तरीके से भी इसी तरीके से ही पसंद है। तो यहाँ पे ना पनीर मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, और हरी मिर्च और धनिया निकाल के रख लिया है, इनको भी बारीक कट करके रख लूँगी। अच्छा, हर बार की तरीके इस बार पता मेरे साथ भी फिर से हो गया है। वैसे कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। मैं ना जब मैंने चावल को फ्राई किया था, यानी जब पुलाव ने बनाने तैयार किया था बनाने के लिए, तो मैंने ना हरी मटर नहीं डाली थी, तो मैं भूल गई थी, तो फिर मुझे अलग से फ्राई करके डालनी पड़ी थी। अदरवाइज कोई भी वो नहीं रहता है कि अलग से डालो, अलग से फ्राई करके डाल दो, तो टेस्ट में अंतर आता है। टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है, आप अलग से भी डाल सकते हैं या फिर इसी के साथ में ही डाल सकते हैं। सो अगर भूल जाते हैं तो अलग से हल्का सा तेल डालिए, उसमें मटर डालिए और हल्का सा नमक डाल के उनको ढक्कन लगा के पका लीजिए भाप में, बस वो पक जाएंगे और राइस में मिला दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन करिए जरूर इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे पनीर फ्राई कर लिया है, उसके बाद मैंने मूंगफली भी फ्राई करी थी, और भैया भाभी वो आ चुके थे, बीच में मैं गेट खोलने चली गई थी, फिर उसके बाद कैमरा नहीं लगाया। मैंने चाय भी बना ली और मैंने पूरा पुलाव वगैरह भी बना लिया, ऊपर से हरा धनिया से गार्निश कर रही हूँ सारी प्लेट लगा कर, तब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सबके लिए चाय लगा दिए। चाय के जो 6 कप थे उसमें से 4 कप ही बचे हैं घर में, बिकॉज दक्ष है ना, दक्ष ने दोनों कप तोड़ दिए हैं मेरे, तो 2 तो टूट चुके हैं, 6 में से 4 ही बचे हैं, तो 2 मैंने अपने कुल्हड़ वाले जो ब्लू वाले हैं वो लगा लिए हैं। और यहाँ पे देखिए हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली है नाश्ते की, नमकीन है, बिस्किट है, ये पूरा हमारा मटर पुलाव पनीर वाला है, जिसमें पीनट्स भी डले हुए हैं, गर्मा गर्म चाय है। तो चलिए नाश्ता करते हैं, एंड भैया अभी आ चुके हैं यहाँ पे, देख बहुत परेशान कर रहा है। जब मैं ये सारा काम कर रही थी तो वो बड़े ही आराम से सो रहा था, और फिर ये जग गया था। और यहाँ पे हर चीज चाहिए उसे, खासकर तो मम्मी भी चाहिए उसको। तो यहाँ पे बस भैया है, भाई बैठे हैं, हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ही, हम लोग कभी मिलते हैं तो जितने दिन टाइम से नहीं मिले होते, तब की सारी बातें ना एक साथ इकट्ठे होकर करने लगते हैं, हम भी, भैया भी, भाभी भी, ये भी, सब लोग लगे रहते हैं। तो हम लोगों ने कुछ प्लान भी बनाया है, बहुत जल्द आप लोगों के साथ वो प्लान शेयर करूंगी, क्या होने वाला है क्या नहीं, बहुत जल्द शेयर करूंगी। और दस बहुत परेशान कर रहा था, तो ना भाभी उसको लेकर बाहर चली गई थी थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैंने वीडियो काफी स्पीड में बढ़ा दिया है, सो आप लोग एंजॉय कर लेना, क्योंकि अगर मैं पूरा ऐसे ही दिखाती ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि चाय ऐसा लग रहा था कि फैल रही है क्या, अच्छा फूटा है क्या, लेकिन नहीं, मुझसे ही थोड़ी सी फैल गई थी, इस वजह से हो गया था। एंड बस बहुत सारी बातें की, दस बहुत परेशान कर रहा था, बच्चे एक दूसरे के साथ खेल ही रहे थे, मजे कर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे, वो चले गए हैं भैया भाभी। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने जो शॉपिंग करके लाई हूँ, थोड़ी ही लाई हूँ, तो मैं आज आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ अपने ब्लॉग में। पहले मैं सोचा था कल दिखाऊंगी, फिर मैंने सोचा चलो आज भी दिखा देती हूँ। तो मैं क्या क्या लाई हूँ विशाल से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये चाय का पत्ती का पैकेट, जो कि बहुत से लोग पूछते हैं आप कौन सी चाय इस्तेमाल करती हैं, तो मैं ये वाली चाय इस्तेमाल करती हूँ, टाटा टी प्रीमियम, जो कि पहले बॉक्स वाला डब्बा लिया था, मैंने डब्बा लिया था पूरा, इधर पैकेट लिया है, तो 400 रुपये की ये मिली है मुझे। और ये रिमोट उठा रहा था दक्ष, उसके बाद कपड़े लिए हैं दक्ष के लिए, तो वो प्राइस तो मैं नहीं बताऊंगी अब। तो सबसे पहले मैं पैंट लेने गई थी उसके लिए, तो एक ही पैजामी लाई हूँ, बहुत ही अच्छी लग रही है एक ये। उसके बाद एक स्वेटर, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये स्वेटर देखो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो एक ये। उसके बाद एक और पैजामा लोअर जैसा है ये, दक्ष को भी पकड़ना पड़ता है, गिर जाए नीचे, यहाँ बैठ बेटा। और एक और लिया है उसी जैसा ब्लू, एंड 90 रुपये का है ये एक पैंट, तो ये सब 90-90 वाले थे जो अभी अभी दिखाए है मैंने। उसके बाद एक ये महंगा है, इसका प्राइस है, इसमें 299 लिखा हुआ है, ये जीन्स है, एक ये है, इसमें नीचे मोहरी में भी नीचे दी गई है लास्टिक। और एक ये है पजामी, इसमें कार बनी हुई है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी।
पैंट लेने बहुत ज़रूरी थे इसलिए मैंने ये सब लिए हैं। और उसके बाद आद्या के लिए ली है दो जीन्स, देखिए ये डार्क कलर में और एक ऐसी की ये लाइट कलर में, ये बाय वन गेट वन फ्री ऑफर था, मतलब एक के साथ एक थी तो मैंने दोनों ले लिए हैं। एक लाइट ली है कलर, एक डार्क में, बस इतना सा सामान लेकर आई थी। दक्ष और आध्या के कपड़े और दोनों के ही पैंट ही लाई हूँ, और क्योंकि ऊपर के दोनों लोगों के काफ़ी रखे हुए हैं और बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं तो फिर ऊपर का नहीं लिया है। और ये भी ना एक डेढ़ साल, एक पिछले साल ही शायद चल जाए वरना बहुत जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये दक्ष की आवाज़ आ रही है बीच बीच में। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, मैं भी काफ़ी थक गई हूँ और अब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, तो आप लोगों से मिलूँगी कल अपने नए एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये भी देखो आ गया, बाय करने, बाय कर दो, बाय 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 ऐसे। तो चलो फ्रेंड मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।